दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन दिस जिलेट शेविंग क्रीम एंड दिस जिलेट फॉर्म। बताएंगे दोनों प्रोडक्ट में से आपको बेसिकली कौन सी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जाहिर सी बात है जिलेट का जो शेविंग क्रीम है ये आपको कम दाम में मिल जाता है, जबकि जिलेट का जो फॉर्म है ये थोड़े महंगे आते हैं। क्या महंगा होने के बावजूद ये इससे बेहतर परफॉर्मेंस करके देता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके अपने अभिषेक भैया, trimmerforman.in में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर वीडियो में हम आपको अपने बियर्ड को लाइव ट्रिम करके दिखाते हैं। जाहिर सी बात है इस वीडियो में भी आपको हम साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाएंगे किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। चलिए सबसे पहले अपने फेस में थोड़ा सा हम पानी लगा लेते हैं। सबसे पहले अभी आपको हम जिलेट का जो शेविंग क्रीम है ये इस्तेमाल करके दिखाएंगे। थोड़ा सा क्रीम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का जो हिसाब देख रहे हैं इसे हम जिलेट शेविंग क्रीम लगा करके शेव करेंगे। हालांकि ब्रश से मिलाना काफ़ी आसान होता है, बट मेरे पास ब्रश नहीं है क्योंकि मैं शेविंग तो करता ही नहीं हूँ बिल्कुल, तो अपने हाथों से ही हम मिला लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों ये वाले हिस्से को हम शेव कर लेते हैं फटाफट। अब चलिए एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एक बार में फुल क्लीन होता नहीं है। तो देखने में थोड़ा फुल क्लीन लग रहा है ऐसे, एनी हाउ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं हमेशा दो बार रेजर चलाता हूँ स्किन पे ताकि अगर कहीं छूटा वोटा हो बियर्ड तो अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाए। गाइस तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा हम शेविंग क्रीम से शेव कर लिए हैं। अब चलिए राइट हैंड साइड वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको हम यूजिंग फोम शेव करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं दिस इज माय जिलेट शेविंग फोम। तो चलिए इस शेविंग फोम को अपने राइट हैंड साइड वाले एरिया पे अप्लाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एस कम्पेयर टू शेविंग क्रीम जिलेट फॉर्म को स्किन में फैलाना कितना आसान हो जाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट महसूस होता है। शेविंग क्रीम से अगर हम कंपेयर करें तो ये फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है आपके स्किन पे और बार बार आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वेरी इजीली आपकी स्किन में ये लग जाता है, जिससे आपका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, अब चलिए ये वाली एरिया को भी हम लाइव शेव करके आपको दिखाते हैं। गाइस फाइनली हमने दोनों ही साइड को शेप कर लिया है। एक बार मैं अपने फेस को वॉश करके आता हूं, फिर आपको हम एग्जैक्ट रिजल्ट बता पाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनली हमने अपने बियर्ड को पूरी तरह से शेव कर लिया है, एज वेल एज अपने फेस को पानी से क्लीन भी कर लिया है। अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की ओर। लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा हमने जिलेट का शेविंग क्रीम से शेव किया था, और एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा दोस्तों, अगर आप जिलेट शेविंग क्रीम से शेव करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, बेहतर क्लीन से वाले लुक देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दिस जिलेट शेविंग फॉर्म। यस, मैं भी पहले सोच रहा था जिलेट फॉर्म का बेहतर परफॉर्मेंस होगा, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। जिलेट शेविंग क्रीम आपको बेहतर क्लीन से वाई लुक दे देता है एज कम्पेयर टू जिलेट फॉर्म। वैसे कुछ खास डिफरेंसेस, बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली तो आपको भी कैमरा में कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप बहुत ही ध्यान से नज़दीक जाकर देखोगे तो 19-20 का फर्क मतलब स्लाइटली आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि आप नीचे वाले एरिया में, ये वाला एरिया हमने जिलेट का शेविंग क्रीम से शेव किया और ये वाला एरिया जिलेट फॉर्म से शेव किया, तो जब मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, तो इससे मुझे इजीली फील हो जा रहा है कि भाई ये वाला मतलब कम चुभ रहा है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा क्लीन है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो क्लीन शेव के मामले में जाहिर सी बात है द विनर इज जिलेट शेविंग क्रीम। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिलेट फॉर्म लो ही मत, आप ले सकते हैं दोस्तों, जिलेट फॉर्म लेने का एक अलग ही फ़ायदा है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, मतलब बार बार ब्रश से गाल में लगड़ो, पानी में डुबाओ, फिर से लगड़ो, मिलाने में थोड़ा बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचाना चाहते हैं, अगर आपके पास कम समय है, डायरेक्टली लगाओ गाल पे और शेव करो, तो काफ़ी क्विक फास्ट स्पीड में आप शेव कर सकते हैं यूजिंग दिस जिलेट फॉर्म। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वाइल शेविंग मैंने यूज़ किया है जिलेट का जिलेट मैच 3 टर्बो प्लस, और ये इसी के साथ साथ अगर आप इन दो प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर लीजिएगा, जहाँ से ये प्रोडक्ट आपको सबसे सस्ते दाम में मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे लिंक से लेते हैं तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।